हेलो फ्रेंड्स, आज है 30th of June 2022। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट डेट फॉर मी। इट्स एन एनिवर्सरी डेट, एनिवर्सरी शादी का नहीं, एनिवर्सरी फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ माय सेकंड इनिंग्स। मेरा लाइफ का जो सेकंड इनिंग्स है उसका ये एक साल कंप्लीट हो चुका है, वही एनिवर्सरी है। ये पर्टिकुलर वीडियो पे आई वॉन्ट टू मेक ए रिव्यू अबाउट माई सेल्फ, एक इन डेप्थ एनालिसिस कि क्या क्या हुआ, क्या क्या मिस किया एंड आने वाले दिन में क्या करने का इरादा है, और इसी का एक रिकॉर्ड में खुद के लिए रखना चाहता हूँ। तो लास्ट 29th जून 2021 को वाज माय लास्ट डे इन इंडसइंड बैंक। सो 30th जून से मेरा सेकंड इनिंग्स चालू हो गया था। सेकंड इनिंग्स मींस सम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स और द एक्टिविटीज, जहां पे मैं मेरा जो लाइफ या डेली एक्टिविटीज है उसको मैं डिफरेंट वे में जीना चाहता था। सो दैट बीइंग द केस, फर्स्ट ये मेरे को सोचना है कि व्हाई द सेकंड इनिंग्स, क्यों सेकंड इनिंग्स के बारे में मेरे दिमाग में आया। मैंने मुंबई में आया 2nd of April 2007, जहां से ये 15 साल पार होके 16th ईयर चल रहा है। जब से मैं मुंबई में आया हूं उसके बाद से जो 14 साल गया है, मेरा गुजरा है, वो 14 साल बेसिकली मैं बहुत ही बिजी था, लेकिन प्रोडक्टिव वे में बिजी नहीं था। मैं खुद को अपग्रेड करने में असफल था, खुद को अपग्रेड, डेवलप, अपलिफ्ट, एनकरेज करने में असफल था। क्यों? उसका एक एनालिसिस मैं करना चाहता हूँ। बेसिकली क्या होता था कि सुबह 5:30-6 बजे उठ जाता था एंड बाई 7:15, 7:30 मैं ऑफिस के लिए निकल जाता था। इनिशियली मेरा जो ऑफिस था नरीमन पॉइंट में था। पहले मैं बाइक लेके अंधेरी स्टेशन जाता था फ्रॉम पावई, फिर वहाँ पे बाइक पार्क करने के बाद चर्च गेट स्टेशन तक जाता था बाई ट्रेन, चाहे वो स्लो ट्रेन हो या फर्स्ट ट्रेन हो। फिर चर्च गेट स्टेशन से शेयर कैब में नरीमन पॉइंट जाता था। अगर हाथ में ज्यादा टाइम होता था तो एक वॉकिंग कर लेता था फ्रॉम चर्च गेट स्टेशन टू नरीमन पॉइंट, मेकर चैम्बर 3, 7th फ्लोर। फिर वापस इन द इवनिंग, मे बी 6:30, मे बी 7, और घर पहुंचते पहुंचते आपका 8:30-9 बज जाता था। कहने का मतलब दिन में इतना सारा एक्टिविटी होता था कि उसके बाद खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। ये चलता रहा। फिर 2011 में मैंने स्विच ओवर किया टू इंडसइंड बैंक, जहाँ पे मेरा ऑफिस था लोअर परेल में। स्टार्टिंग में सायन में रेंटेड हाउस में रहता था। उस टाइम पे बाइक में बहुत ही नज़दीक था, 15-20 मिनट में मैं ऑफिस पहुंच जाता था, बट इवनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता था। 2013 तक 11 से 13 यानी करीबन 2.5 ईयर्स मैं वहीं से कंटिन्यू किया। वहाँ पर भी वही था कि 7:30
बजे निकलता था और घर में आते आते कभी 8, कभी 9, कभी 10 हो जाता था। फिर मैं पावई में शिफ्ट किया तो मेरा और भी ज़्यादा ट्रेवल टाइम बढ़ गया था। तो मैंने फिर पावई से कभी पहले ट्रेन से ट्रेवल करने का कोशिश किया, जमा नहीं। फिर टू व्हीलर से कोशिश किया, स्टार्टेड विथ द बैक पेन। तो समवन सजेस्टेड मी कि ओला में कंटिन्यू करो, एंड वाइल कंटिन्यूइंग तो तुम कुछ ऑडियो बुक्स सुन सकते हो, क्योंकि ऑडियो बुक सुनने का बात ये आया है बिकॉज मेरे को मोशन सिकनेस है, जिसके कारण मैं जब ट्रेवलिंग करता हूँ उस टाइम में मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, किताबें पढ़ नहीं पाता हूँ। तो उस शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए ऑडियो बुक्स सुनता था। तो 2015-16 से मैं ओला में जाता था, ट्रेवल करता था, शेयर टैक्सीज में ट्रेवल करता था। कहने का मतलब जो एक्टिविटीज था वही, सुबह 5:30-6 बजे उठो, ऑफिस के लिए निकलो आपका 7:30 के आसपास, ऑफिस पहुंचो 8:15 के आसपास, और वहां से निकलते निकलते कभी 7, कभी 8, कभी 9, और घर आते आते कभी 8, कभी 9, कभी 10। तो इतना काम को लेके एनग्रोस्ड हो गया था कि खुद के प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ कर नहीं पा रहा था। इवन वीकेंड्स मिलता था, सैटरडे संडे, लेकिन सैटरडे संडे को भी मेंटल हैंगओवर रहता था ऑफिस रिलेटेड काम्स के लिए। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ये ऑफिस का प्रॉब्लम्स नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम्स है। क्यों? मैंने खुद को बैलेंस कर नहीं पाया, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ एंड ऑफिशियल लाइफ। मेरे को जानकारी नहीं था कि कैसे बैलेंस किया जाए ये जो लाइफ है उसको। तो 2015-16 से जब मैं फोर व्हीलर में जाना चालू किया तो ऑडियो बुक सुनते सुनते थोड़ा सा खुद के बारे में जानकारी एहसास होने लगा कि ऐसा करके कितना साल चलेगा। फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल गया, 2017, 2018, 2019, मीन्स जस्ट आई वॉज प्लानिंग टू क्विट द जॉब एंड डू समथिंग ऑन माई ओन, लेकिन क्या करें, ऑफिस में मेरा ट्रेडिंग वाला एक्टिविटीज था, तो बाय नेचुरल वे ट्रेडिंग को ही मैंने चुना। उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा था, सोच रहा था कि ऑफिस में रहते रहते ट्रेडिंग भी करूं और ऑफिस को भी काम करूं, लेकिन दोनों एक साथ में होता नहीं था। कुछ पोजीशंस इधर ले लिया, फिर ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया, तो ये पोजीशंस कब टीपी लेवल आ चुका होता था, फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता था, पता ही नहीं होता था, और भी लफड़ा। दोनों एक साथ में होता नहीं था। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफी प्लानिंग के बाद एक ये डिसीशन लिया कि नहीं, अभी मेरे को कुछ अलग करना है, जहाँ पे अर्निंग्स में भी लिटिल लेस बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी मच हायर, जहाँ पे मैं खुद के लिए टाइम निकाल सकता हूँ, जहाँ पे मैं फैमिली के लिए लाइफ टाइम निकाल सकता हूँ, और खुद को एक करंट लेवल से थोड़ा सा बेटर कर सकता हूँ। उसी प्रयास में मेरा ये सेकेंड इनिंग्स है, सेकेंड इनिंग्स जो 30 जून 2021 से चालू हुआ, आज इसका फर्स्ट एनिवर्सरी है। ये एक साल में लाइफ का थोड़ा सा
टेक्सचर जो है चेंज हुआ है। पहले मैं खुद को इतना जानता नहीं था, लेकिन आजकल मैं खुद को जानने का काफी प्रयास कर रहा हूं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे खुद को और बेटर किया जाए। मेरा एक ही पर्सपेक्टिव है कि मैं कैसे खुद को थोड़ा सा बेटर करूं इन कंपैरिजन टू माय यस्टरडे। उस प्रयास में थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशंस हुआ है, लेकिन जब मैं ये एक साल का रिव्यू मैं खुद के लिए करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को एक ड्रॉबैक या एक चीज मैंने जो गलती किया है, उस गलती को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, ताकि जो ये वीडियो मेरा देखे और अगर मेरे लाइफ के साथ कुछ थोड़ा बहुत भी सिमिलरिटी हो तो शायद उनको भी एक आइडिया आ जाए। जो ड्रॉबैक या मेरा जो शॉर्टकमिंग्स है वो है इम्प्लीमेंटेशन में। प्लानिंग बहुत होता था, प्लानिंग अभी तक मैं बहुत किया हूँ, ये करना है वो करना है, ये करूँगा वो करूँगा, ये फाड़ दूंगा वो फाड़ दूंगा, ये उखाड़ फेंकूंगा वो उखाड़ फेंकूंगा, यानी प्लानिंग पे प्लानिंग, प्लानिंग पे प्लानिंग। लेकिन शॉर्टकमिंग्स क्या है? एग्जीक्यूशन पे, मॉनिटरिंग पे। प्लानिंग करने के बाद इनिशियली कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए मैंने उसको फॉलो किया, लेकिन कंटिन्यू कर नहीं पाया। तो मॉनिटरिंग द प्लानिंग, एक है विजन, जो मैं विजन देखा कि सेकंड इनिंग्स में मेरे को क्या क्या करना है। वहां पे एक ही मेरा गोल है कि खुद को खुद से बेटर करना थोड़ा थोड़ा करके, ये मेरा विजन है। एंड मेरा जो लाइफ है उसको थोड़ा सा बेटर करना, थोड़ा सा अच्छा करना, मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको बेटर करना, माइंडसेट जो है उसको बेटर करना, हेल्थ जो है उसको थोड़ा बेटर करना, फैमिली रिलेशंस जो है उसको थोड़ा बेटर करना, सोशल रिलेशंस जो है उसको थोड़ा बेटर करना, स्पिरिचुअल अटैचमेंट जो है उसको थोड़ा बेटर करना। प्लानिंग उसके बाद आता था, प्लानिंग बहुत करता था, प्लानिंग प्रोसेस भी बहुत करता था, लेकिन मॉनिटरिंग में मैं मिजरेबली फेल हुआ। अभी मेरा ये जो सेकेंड ईयर होगा उसमें मेरे को मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, प्रोसेस कंट्रोल को कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे एग्जीक्यूशंस किया जाए एंड उसका मेजरमेंट किया जाए, ताकि मैं जो प्लान किया हूँ उसको एक लेवल तक लेके जाऊँ। मेरा टारगेट ये नहीं है कि परफेक्ट करना है मेरे को, मेरा टारगेट ये है कि मेरा जो प्लानिंग है या जो प्रोसेस कंट्रोल है उसको एग्जीक्यूट करना, एंड एग्जीक्यूट करने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, जिस मॉनिटरिंग सिस्टम के बेसिस पे मैं एटलीस्ट 70%, 80%, 85% या 90% उस काम को मैं कंप्लीट कर पाऊँ। यानी एक आदत खुद में डेवलप करना कि मैंने जो डिसाइड किया है, मैंने जो प्लान किया है, मैंने जो प्रोसेस कंट्रोल कॉपी में लिखा है, उस एक्टिविटीज को मैं क्या आने वाले एक साल में 30th जून 2023 तक कंटिन्यू कर पाता हूँ या नहीं, उसके ऊपर एक मेरा मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, मेजरमेंट होगा, ताकि मैं खुद को ये बोल नहीं पाऊँ कि यार मैंने तो बहुत कुछ सोचा था लेकिन उतना कर नहीं पाया। अभी मैं कोई भी ब्लेम दूसरे के ऊपर दे नहीं सकता। पहला बात है अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस,
क्या मैं खुद को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्या मैं खुद को अकाउंटेबल कर रहा हूँ, क्या मैं खुद को रेस्पॉन्सिबल कर रहा हूँ, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं क्या लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ। याद रहे, मेरे को परफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर कोई एक लेवल एनहेंसमेंट, दूसरा लेवल बेटरमेंट करने का प्रयास करते हैं। इट्स ए प्रोसेस। एक सेंटीमीटर अगर बेटर किया हूं तो उसको फिर एक सेंटीमीटर से दो सेंटीमीटर कैसे किया जाए, एंड सो। तो ये जो सेकेंड ईयर का जो मेरा टारगेट है, उसमें मेरा मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट विल टेक ए प्राइम रोल। चाहे मैं 5 चीजें करने का कोशिश करता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ 10 चीजें, 5 चीजें मैं करने का कोशिश करता हूँ या टारगेट करता हूँ, प्लान करता हूँ, या मेरा गोल है, तो मेरा ये गोल होगा कि उस 5 चीज को मैं कंप्लीट कर। परफेक्शंस नहीं, परफेक्शंस के बारे में फिर कभी सोचेंगे, पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पहले इसको और थोड़ा एनहेंस कर लेते हैं, चाहे वो 60% हो, 70% हो, 80% हो, 85% हो, या 90% हो। तो मैं ये आदत को डेवलप करना चाहता हूँ कि मैं जो भी विजन लूंगा, जो भी प्लान करूंगा, जो भी प्रोसेस कंट्रोल में डिसाइड करूंगा, उसको एग्जीक्यूट करना एंड उसको एक पर्टिकुलर प्लानिंग प्रोसेस में मॉनिटर करना एंड मेजर करना, ताकि मैं जो डिसाइड कर रहा हूं उसको एक सर्टेन लेवल तक लेके जाऊं। सो पहला वाला जो एनिवर्सरी है, इट्स ए गुड वन, आई विल से वेरी गुड वन, लेकिन उसको मैं और थोड़ा एनहेंस करना चाहता हूं सेकेंड एनिवर्सरी आते आते। तो ये जो सेकेंड एनिवर्सरी का मेरा जो मुझसे जो कमिटमेंट है, ये मेरा कमिटमेंट यही है कि मैं एग्जीक्यूट करूं और उस एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करूं कि क्या मैं इस हफ्ते में मैं जो करना चाहता हूं किया या नहीं किया, इस महीने में मैं जो करने वाला था क्या मैं इस महीने में कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, एंड सो ऑन। क्योंकि पहले 14 साल 2007 से 2021 मैं खुद के ऊपर अकाउंटेबिलिटी पूरा ले नहीं रहा था, हमेशा एक फिंगर दूसरे के तरफ था उसके लिए। दूसरों को ब्लेम करने से मेरा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मेरा फायदा तभी होगा, स्टॉप ब्लेमिंग द अदर्स, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड वर्किंग ऑन अपग्रेडिंग माई सेल्फ, अपलिफ्टिंग माई सेल्फ एंड टेकिंग मी फ्रॉम करेंट पोजिशन टू ए लिटिल बेटर पोजिशन इन कमिंग डेज। तो ये जो एनिवर्सरी डेट है, इस डेट में मैं मेरा जो एक रिव्यू है खुद से, ये रिव्यू को मैं एक रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि एक साल के बाद 30th जून 2023 को मैं फिर दोबारा एक सेकेंड रिव्यू लेके आऊं कि मैंने क्या सोचा था, क्या करना करने का इरादा लिया था, क्या मैं कितना कर पाया हूं। माय टारगेट विल नॉट बी 100%, माय टारगेट विल बी 60, 70, 80, or 90% of that particular target. जहाँ पे मेरा different areas of my life, पहला मेरा mindset, उसको reach mindset करना है, cool, calm and एक enhanced mindset को लेके जाना है। मेरा health जो है उसको थोड़ा better करना है। Third वाला है मेरा professional life को थोड़ा सा better करना है। फोर्थ ये है कि मेरा जो रिलेशनशिप है उसको और थोड़ा बेटर करना है।
relationship with my family members, my wife, my son, my parents, my elder brother and his families, and also my near and dear ones, my close friends. Next is my social circle, उसको थोड़ा बेटर करने का कोशिश करूंगा, जो जो शॉर्टकमिंग्स मैंने पिछले 14 साल में किए हैं वो शॉर्टकमिंग्स के ऊपर वर्कआउट करके, अभी तक जो मैं सोशल नेटवर्किंग इतना ज्यादा नहीं करता था, तो थोड़ा एक बेटर सोशल नेटवर्किंग करने का एक इच्छा है, प्लस एक स्पिरिचुअल रिलेशन विद द सुप्रीम बींग्स, द अलमाइटी, द सुप्रीम पावर, द डिवाइन पावर, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो वही गुरु हो, चाहे वो बुद्धा हो या राम हो, हनुमान जी हो, माँ अद्दा माँ हो, माँ काली हो, दुर्गा माँ हो, वैष्णो देवी हो या आपका कोई भी हो, सबके मीन्स वही जो नाम अलग है एक ही चीज है, उस एक चीज के साथ मैं थोड़ा सा खुद को और बेटर अलाइन करने का एक इरादा है। तो ये जो एनिवर्सरी डेट पे मेरा जो रिव्यू है खुद का खुद के साथ, उस रिव्यू आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट्स होगा उसके बेसिस पे मैं खुद को और थोड़ा अपग्रेड करने का, अपलिफ्ट करने का प्रयास कर सकता हूँ। तो फर्स्ट एनिवर्सरी में आप सभी को धन्यवाद। अभी मैं सेकेंड इनिंग्स का सेकेंड ईयर में एंटर कर चुका हूँ, आशा करता हूँ कि और थोड़ा बेटर करूँगा। उस बेटरमेंट के डायरेक्शन में आप सभी का गुड विशेस चाहिए, बड़ों का ब्लेसिंग्स चाहिए, दोस्तों का और छोटे का गुड विशेस चाहिए। थैंक यू।